حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعة وتمتعه فيها تبيلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. درود بلدي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أذان الكرام قد سورة مباركة قصص کی आयत नंबर 60 आपके सामने पेश की गई। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि ममा उतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा, कि हमने जो तुम्हें चीजें अता की हैं या जो चीजें तुम्हें दी गई हैं ये दुनिया की जीनतें हैं, दुनिया की हयात है और दुनिया की रंगीनियां हैं। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, लेकिन जो परवरदिगार आलम के पास बचा हुआ है, जो परवरदिगार आलम के पास तुम्हारे लिए है, वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला भी है और बहुत बेहतरीन भी है। अफला ताकिलून, अगर तुम इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करो तो ये बातें तुम्हें समझ में आएंगी। ऐजान इकराम कदर, ये कोरोना की वबा, ये कोविड की वबा, इसकी दूसरी लहर बड़ी तेजी से मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैलती जा रही है और इसी एतबार से ये ऑनलाइन मजालिस का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। परवरदिगार आलम से सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि बार इलाह इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा फरमा, ताकि आज़ादारी और मजालिस का जो सिलसिला है वो पहले वाले अंदाज में दोबारा जारी और सारी हो सके। और चूंकि पहली लहर और दूसरी लहर के दरमियान फिर एक मरतबा लोगों की आदत थी कि सामने बैठकर गुफ्तगू को सुनते थे और पढ़ने वाले की कैफियत भी ऐसी थी कि सामने बैठकर लोगों के सामने गुफ्तगू का अंदाज हुआ करता था। अब बहरहाल
ये दूसरी लहर है, फिर एक नए सिलसिले की इब्तिदा है। और चूंकि एक उनवान था कि जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही थी, तो उसी उनवान के एतबार से कुछ बातें आपके सामने पेश की। चूंकि दुनिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और दुनिया के एतबार से मैंने मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर काफी सारी गुफ्तगू यहां के छासा के मोमिनीन की खिदमत में मैंने पेश की, और मैं चाह रहा हूं कि वही सिलसिला आगे बढ़े। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन सिलसिला है, कुछ ऐसे सुनने वाले भी होंगे कि जो नए सुनने वाले होंगे, लिहाजा उनके एतबार से गुफ्तगू को थोड़ा आसान करता चलो। सूरह मुबारक कसस की आयत नंबर 60 आपके सामने पेश की। परवरदिगार आलम दुनिया की कैफियत के बारे में बात कर रहा है कि जो कुछ दुनिया की रंगीनियां तुम्हें मिली। अब याद रखिए, परवरदिगार आलम ने इंसान को दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतें दी, और ये सारी की सारी नेमतें ऐसी नेमतें हैं कि जिसका इंसान शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। मैं कई मतलब अपनी गुफ्तगू के अंदर अर्ज कर चुका हूं कि परवरदिगार आलम की हर नेमत एक तकाजा लेकर आती है, और उसका शुक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। परवरदिगार आलम ने इंसान को इतनी सारी नेमतें दी, बहुत सारी नेमतों का तो इंसान को एहसास भी नहीं। इंसान जब इस दुनिया की नेमतों को, रंगीनियों को देखता है, खुदावंद आलम कह रहे हैं जो कुछ तुम्हें दिया गया, वमा होती तुम्हें शही, जो कुछ तुम्हें दिया गया चीजों में से, ये दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की रंगीनियां हैं, दुनिया की जीनतें हैं। लेकिन याद रखो, जो आखिरत में परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए रखा है, वो इन सबसे ज्यादा बेहतरीन भी है और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला भी। यानी रब्बुल इज्जत तुम्हें वहां पर वो इज्जतें देने वाला है कि जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली। इंसान को जरा सा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इंसान की कैफियत यह है कि दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला होता है, कहता है सब कुछ यही है, बाद में क्या मिलने वाला है वो किसे मालूम। ये इंसान की तबीयत है, जबकि परवरदिगार आलम ने वहां की नेमतों को बहुत ज्यादा रखा। अगर इंसान इस मरहले को समझ जाए, उसकी जिंदगी का अंदाज तब्दील हो जाएगा। अगर इंसान को यह पता चल जाए कि परवरदिगार आलम ने उसके लिए क्या बेहतरीन मकाम रखा है, इस अंदाज में उसकी काम करने का तरीका तब्दील हो जाएगा। वाकई अगर इंसान कुछ मामलात को सही अंदाज में समझ ले, आज हम दुनिया के अंदर इतने सारे काम करते हैं, अगर इंसान फकत इस चीज के ऊपर गौर कर ले कि मेरा रब मेरे हर काम को देख रहा है, या मुझे उस जिंदगी के लिए तैयारी करनी है कि जो जिंदगी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। क्यों मौलाए कायनात ने मुख्तलिफ खुतबों के अंदर यही इंसान को पैगाम दिया कि फना हो जाने वाली जिंदगी के लिए इतनी मेहनत क्या कर रहे। मेहनत करनी है, अपनी जहमतों को लगाना है, तो उस जिंदगी के लिए लगाओ कि जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। इंसान फना हो जाने वाली जिंदगी के लिए मेहनत कर रहा है। और याद रखिए, सआदत, कामयाबी, कमाल इस चीज में नहीं है कि इंसान फना हो जाने वाली जिंदगी के अंदर अपने मामला को बर्बाद कर दे। अगर इंसान फकत सआदतमंदी, कामयाबी की तारीफ को पढ़ने बैठे, सिर्फ कामयाबी की तारीफ, तो मौला कहना था अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सईद तरीन इंसान वो है, कामयाब तरीन इंसान वो है कि जो दुनिया की फानी लज्जतों को, फना हो जाने वाली, खत्म होने वाली लज्जतों को छोड़कर आखिरत की बाकी लज्जतों के लिए मेहनत करे। इंसान जिस वक्त इस कैफियत को समझ जाए, याद रखिए सआदतमंदी ये बड़ा कमाल का मरहला है, इंसान को इस सआदतमंदी की तरफ जाना है। याद रखिए, हर नेक इंसान सआदतमंद नहीं कहलाता, मरहले हैं। परवरदिगार आलम की मदद के बगैर इंसान सआदतमंद भी नहीं बन सकता। परवरदिगार आलम हर इंसान को उस कामयाबी की तरफ देखना चाहता है। परवरदिगार आलम ने मौके बड़े दिए, नेमतें बड़ी दी इंसान को। याद रखिए, दुनिया के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे। मौला कायनात की एक हदीस को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मौला ने जिंदगी के बिल्कुल प्रैक्टिकल मामला की एक अक्कासी कर दी, एक तस्वीर खींच कर रख दी है, और उस हदीस के जरिए से इमाम ने सआदतमंदी को समझाया कि देखो खुदावंद आलम की मदद कितनी जरूरी है, और दुनिया के अंदर लोग कैसे, किसी को भी सआदतमंद उस वक्त नहीं कहा जाता जब तक ये सारी चीजें मिल जाए। कामयाब इंसान किसे कहा जाता है? अब इमाम की हदीस को सुनिए, अपने अतराफ पर गौर कीजिए, समझ में आएगा कि हमारे अतराफ में इसी किस्म की कैफियतें मौजूद हैं। इमाम क्या फरमाते हैं?
इमाम फरमाते हैं जरूरी नहीं है कि लोगों के साथ नेकी को दोस्त रखने वाला शख्स नेकी भी करे। वजाहत करो, इमाम क्या फरमाना चाह रहे हैं? इमाम फरमाना चाह रहे हैं कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ नेकी करने को दोस्त तो रखते हैं लेकिन नेकी नहीं करते। जाइए एक बार, पता चलेगा बातें करने के अतबार से बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं नेकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों के साथ अच्छा काम करना चाहिए, लोगों के साथ नेकी करनी चाहिए। सवाल ये, नेकी करते हैं कि नहीं, ये बहाना आपको नजर आएगा। इमाम फरमाने जरूरी नहीं है कि लोगों के साथ नेकी को दोस्त रखने वाला, यानी मैं नेकी को दोस्त रखता हूं बहुत अच्छी बात है, नेकी होनी चाहिए, लेकिन वो नेकी भी करें, इमाम कह रहे जरूरी नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेकी करना चाहते हैं, रहमत रखते हैं, दोस्ती के साथ साथ रहमत भी रखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है, इमाम फरमाते हैं कि हर रहमत रखने वाले के पास कुदरत भी हो, ताकत भी। मैं नेकी करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं चाहता हूं चार लोगों की मदद करूं, पैसा नहीं है मेरे पास। इमाम पूरी एक सोसाइटी की, एक माशरे की, एक फिक्र की अक्कासी कर रहे हैं और ये बेहतरीन और प्रैक्टिकल अक्कासी है। इमाम क्या फरमा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हर कोई रहमत रखने वाला चाह रहा है कि मैं नेकी करूं। इमाम फरमा रहे हैं जरूरी नहीं कि उसके पास कुदरत भी मौजूद हो, ताकत भी मौजूद हो, वसाइल भी मौजूद, जरूरी नहीं। फिर इमाम फरमाते बहुत सारे लोग ऐसे जो कुदरत रखते हैं, सब कुछ होता है, तौफीक नहीं होती। कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं सब कुछ है जिनके पास, चाहे तो हजारों मोमिनों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते, थोड़ा थोड़ा देगी, और ऐसा नहीं है कि उनके देने से खत्म हो जाएगा। याद रखिए परवरदिगार आलम ने सिस्टम ऐसा रखा है, तुम 10 मोमिनों की मदद करोगे परवरदिगार आलम उतनी ही ज्यादा बरकतें तुम्हारे साथ शामिल हाल कर देगा। ये इंसान सोचता है कि बांटने से खत्म हो जाएगा, परवरदिगार आलम कहता है कि तुम मेरी राह में एक कदम बढ़ा रहे हो, 10 कदम इधर से बढ़ेंगे। इन्हें तुम थोड़ा सा यूज करोगे, याद करो 10 गुना परवरदिगार आलम तुम्हें दे देगा। ये इंसान की सोच है। इमाम फरमाने जरूरी नहीं है कि जिसके पास कुदरत हो उसे तौफीक भी मिले। अब सवाल ये कि चीजें सारी की सारी बिखरी पड़ी है, जब तक जुड़ेगी नहीं, जब तक एक कामयाब इंसान का चेहरा हमारे सामने नहीं आएगा। किसी के पास नेकी करने की ख्वाहिश है, दोस्त रखता है नेकी होनी चाहिए लेकिन नेकी करता नहीं, किसी को शौक बहुत है आगे बढ़ता है लेकिन उसके पास पावर नहीं, उसके पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है वो नेकी करे। यानी मैं करना तो सब कुछ चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं, मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं दसियों नेक काम की बुनियाद रख दूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। तीसरे वो लोग जिनके पास रिसोर्सेस हैं लेकिन रिसोर्सेस होने के बाद तौफीक नहीं है, करना नहीं चाहते कुछ भी। अब ये वो कैफियत है कि जहां पर इमाम फरमाने के याद रखो, यहां से पता चलता है बहुत सारी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम नहीं कर सकते सब कुछ। अब यहां से इमाम के जुमले पर सुनिए, इमाम फरमाते हैं जब खुदा बंदे पर एहसान फरमाता है, जब खुदा इंसान को कामयाब देखना चाहता है तो परवरदिगार आलम इंसान के अंदर नेकी की रहमत भी डाल दिया करता है, यानी करने की हिम्मत शौक भी डाल दिया करता है, कुदरत भी दे दिया करता है, रिसोर्सेस भी दे दिया करता है और तौफीक भी दे दिया करता है, हिम्मत भी दे दिया करता है कि जाओ आगे बढ़ करो। ये सारी की सारी जब चीजें जमा होती हैं तो परवरदिगार आलम इंसान को कामयाब देख लेता है। इंसान हर मरहले पर, क्यों रिवायतों के अंदर जुमले हैं, क्यों दुआओं के अंदर मासूमी के जुमले हैं कि परवरदिगार आलम से तौफीक का सवाल करो, और यही सवाल हम सबको करना है। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम अपनी अपनी इस्तेआत कुदरत के एतबार से नेकी की तरफ रहबत कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर दसियों लोगों को, हजारों लोगों को सेट करवाइए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी एक ही है, एक की मदद कीजिए। आपकी कैपेसिटी दो चार की है, आप दो चार की मदद कीजिए। मुश्किल वक्त में मोमिन की मदद के लिए खड़े होइए, आप अपनी कैपेसिटी अपनी कुदरत के एतबार से खड़े होइए। अगर आप माल से मदद नहीं कर सकते, जबान से तो हौसला अफजाई कर सकते, हिम्मत बना सकते। अब इस दूसरी लहर के अंदर याद रखिए कितने लोग बीमार पड़े होंगे,
किसी को यह जरूरत नहीं है कि आप जाकर उसका खर्चा उठाएं, लेकिन कम से कम फोन पर तीमारदारी तो हो सकती है। फोन पर इंसान हाल अहवाल तो पूछ सकता है, तबीयत कैसी है, खासतौर पर ऐसी बीमारी की जिसके जिसने लोगों को वैसे ही दूर कर दिया कि भाई ये बीमारी ऐसी है, करीब आओगे तो भी लग जाएगी, लोग और दूर हो गए, वैसे ही दूर थे और दूर हो गए। लेकिन ये बीमारी अब तक ये तो साबित नहीं हुआ कि फोन करने के जरिए से फैल जाएगी। तीमारदारी की जा सकती है, पूछा जा सकता है कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, लोगों को हौसला मिलता है। अपनी मिसाल के एतबार से जो नेकी आप कर सकते हैं, जो अच्छाई की बुनियाद रख सकते हैं, उस अच्छाई की बुनियाद की तरफ जाइए। ये सआदतमंदी और कामयाबी की अलामतें। परवरदिगार आलम इंसान को कामयाब देखना चाहता है और खुदा कह रहा है मैंने वहां जो तुम्हारे लिए रखा है दुनिया से बहुत बेहतर है। दुनिया के अंदर जो तुम्हारे लिए परवरदिगार आलम ने रखा है वो मामूली है, और याद रखना इसे आखिरत के अजर से कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। बहुत सारे लोग कहेंगे दुनिया में बहुत कुछ मिल गया, परवरदिगार आलम कह रहे हैं जो दुनिया में मिला है थोड़ा सा मिला है, आखिरत में बहुत कुछ तुम्हारा लिए रखा गया है, वादा किया गया है। सूरह मुबारक कसस की आयत नंबर 61 का तर्जुमा पढ़िए कि परवरदिगार आलम कहते हैं क्या वो बंदा जिससे बेहतरीन वादा किया गया, यानी आखिरत का बेहतरीन वादा किया गया है और वो वादा वफा भी होगा, उसे सब कुछ मिलेगा, क्या वो बंदा इस दुनिया के बंदे के बराबर हो सकता है कि जिसे थोड़ा कुछ दुनिया में मिल गया और बाद में सख्ती से उसे खींच कर लाया जा रहा है, यानी दुनिया की थोड़ी लज्जत के बाद उसे खींच कर लाया जा रहा है, क्या वो आखिरत की नेमतों के हासिल करने वाले शख्स के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। याद रखिए कामयाबी के मयार को समझिए। दुनिया के अंदर जब इंसान काम करे, मासूम की सीरत को पढ़िए, किस अंदाज में इमाम समझा रहे हैं, दुनिया के मामला को जब देखो किस अंदाज में एनालाइज करो। हमारे और आपके तीसरे इमाम इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम, किताब हमारी शेख सुदूक की रिवायत है, और आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करूं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौला ये बताइए किस हालत में सुबह की, अब इमाम का जवाब सुनिए, हमारी शेख सुदूक की रिवायत है, इमाम से पूछा जा रहा है मौला किस हालत में सुबह किए, इमाम क्या फरमा रहे हैं, हर इंसान दुनिया के अंदर जब काम करे इस रिवायत को अपने जहन में लेकर आए और समझे परवरदिगार आलम ने इंसान को कितना बाइख्तियार बनाया, इंसान के अख्तियार में है क्या? आज हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर जो चाहे कर सकते, नहीं कर सकते अज़ान गिरा। इमाम फरमा रहे कि मैंने इस हाल में सुबह की कि खुदा मेरे हर अमल पर नजर रखने वाला है। आज अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं मैं ये सोचूं कि मेरा परवरदिगार देख रहा है, गलती करने की हिम्मत नहीं होगी इंसान के अंदर, बुरा करने की हिम्मत नहीं होगी अगर इंसान को पता होगा। इमाम फरमा रहे मैंने इस हाल में सुबह की कि खुदा मेरे हर अमल को देख रहा है। फिर इमाम फरमाते मैंने इस हालत में सुबह की कि मैं जहन्नम की आग को सामने देख रहा हूं। जब ये एहसास आएगा इंसान के अंदर जहन्नम की आग का, आज थोड़ी सी गर्म चीज उठाते हैं हाथ जलने लगता है, उठाकर छोड़ देते हैं। जहन्नम की आग का एहसास कीजिए कितनी सख्त होगी, दुनिया की आग से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतनी शदीद किस्म। इमाम फरमा रहे हैं इस हालत में सुबह की खुदा मुझे देख रहा है, जहन्नम की आग मेरे सामने है और मौत पीछे पीछे खड़ी है कि कब आकर पकड़ ले। ये तीन चीजें भी अगर इंसान के जहन में आ जाए इंसान की जिंदगी के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाए। इमाम फरमा रहे मौत पीछे पीछे खड़ी है, आज हमें पता चल जाए कल मौत आने वाली है, किस अंदाज का गिरिया फरियाद करेंगे, दुनिया छोड़कर खुदा की बारगाह में जाकर माफिया मांगेंगे, सारे मामला को सेटल करने की कोशिश करेंगे, जिनका दिल दुखाया है, जिन्हें तंग किया है, जिन्हें परेशान किया है, सबसे माफी मांगेंगे, ऐसा ना हो कि वहां जाकर परेशान हो जाऊं। फिर इमाम फरमाते कि कयामत का हिसाब किताब घेरे हुए, यानी मैं सुबह कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं ये सारी चीजें, खुदा मेरे अमल को देख रहा है, जहन्नम मेरे सामने खड़ी है, मौत पीछे पीछे आ रही है, कभी भी आकर पकड़ लेगी, और हिसाब किताब मेरा इंतजार कर रहा है। क्या हमारे सारे जिंदगी के मामला अकाउंट्स मेंटेन है? खुदा की बारगाह में देखें परवरदिगार परफेक्ट अकाउंटेंट हुई हुई है, सारे के सारे आंकड़े मिले हुए हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट की बैलेंस सेम हुए हैं, क्या हम इस तरह से कह सकते? नहीं कह सकते। कहां से कमाया, कहां खर्च किया,
کتنا صحیح کیا کتنا غلط کیا امام فرما رہے ہیں حساب و کتاب میرے سامنے. پھر امام فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو میں پسند کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے, یعنی معاملات میری خواہش کے مطابق بھی نہیں چل رہے. پھر فرما رہے ہیں جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا میں چاہتا ہوں نہیں ہو اس سے بچ بھی نہیں سکتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تم کتنے کمزور ہو, تمہارے ہاتھوں میں ساری چیزوں کا اختیار بھی نہیں, یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل بھی نہیں کر سکتے. ضروری نہیں کہ تمہیں مل جائے, کسی کو مل جائے گی کسی کو نہیں ملے گی. جس کو پسند نہیں کر سکتے کرتے ہو اس سے بچ بھی نہیں سکتے, یہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ میں اپنی پسند کی چیز کو حاصل کروں ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دوں, کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ سارے امور اس پروردگار کے ہاتھ میں ہیں کہ جو چاہے گا تو مجھے معاف بھی کر دے گا, چاہے گا تو مجھے عذاب بھی دے دے گا. پھر فرماتے ہیں میں اتنا سمجھا ہوں, دیکھیں امام کا آخری جملہ پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. امام فرماتے ہیں میں اتنا سمجھا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ کا وہ فقیر ہوں کہ جس کے اپنے ہاتھ میں اس کا سارا اختیار نہیں, میرے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ جب میں یہ دیکھوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا عمل کیسا ہونا چاہیے. میرے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ میں دیکھوں جہنم کی آگ سامنے جل رہی ہے تو مجھے کیسے بچنا چاہیے. میرے پاس اتنا اختیار ہے فقط کہ میں یہ دیکھوں موت کا فرشتہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو میں کہوں کہ سارے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں. میرے پاس فقط اتنا اختیار ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے حساب و کتاب کے سارے معاملات اتنے بہترین ہو جائیں کہ قیامت میں حساب و کتاب میں پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں یہ دنیا کے اندر وہ لیول ہے, وہ معیارات ہیں, وہ اسٹینڈرڈ ہے کامیابی کہ اگر انسان اس انداز میں زندگی گزارے تو کس انداز کی زندگی گزار سکتا ہے. اذان گرامی, دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کیجیے اور تیاری کیجیے آخرت کی. یقین جانیے کہ پروردگار عالم انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, خدا مدد کرتا ہے, لیکن انسان اگر ایک قدم آگے بڑھائے اور اپنے اعتبار سے انسان آخرت کی تیاری کی کوشش کرے, انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مولا کائنات کے اس خطبے کی طرف آپ کی توجہات کو لے کر جاؤں گا کہ جس میں امام علیہ السلام نے دنیا سے احتیاط کرنے کے کیا کیا پیغام دیے. اگر انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے تو کبھی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی خواہش نہیں رکھے گا. یاد رکھیے جنہوں نے دنیا کو اپنا ہم و غم بنایا انہوں نے انسانیت کے سارے اصولوں کو پامال کیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کربلا کے اندر ہمیں کس قسم کی مصیبتیں نظر آتی ہیں. کربلا کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو واقعاً سمجھ میں آئے گا کس انداز میں انسانیت کو پامال کیا گیا. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کس انداز میں انسانی اصول پامال ہوئے تو 6 ماہ کے بچے کی مثال آپ کی نظروں کے سامنے کافی. وہ 6 ماہ کا بچہ کہ جب اس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر کے لایا گیا اور منادی ندا دے رہا تھا کہ دیکھو باغیوں کا قافلہ آ گیا, تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آگے بڑھ کر سوال کر رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ 6 ماہ کا بچہ کیسے بغاوت کر سکتا ہے. عزیزو یہ ننھا شہزادہ حسین کی حقانیت کی دلیل بن گیا. 6 مہینے کا بچہ جا کر کون سی جنگ کر سکتا ہے, لیکن اس 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اس کی ماں نے کیا منظر دیکھا. خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھلائے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ وہ بچہ تھا جو 3 بال کے تیر سے ذبح ہو گیا. اور تو اور اس بچے کی مظلومیت کو اگر جاننا چاہتے ہو یہ وہ واحد بچہ تھا کہ جسے حسین نے جا کر خیمے کے پیچھے دفنایا تھا, اور جب 11 محرم کو سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تو یہی وہ بچہ تھا کہ نیزوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا اور ایک نیزے پر ہی علی اصغر کا پورا جسم بلند ہو کر آ گیا. کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھا ہو, شاید رباب کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے ہوں گے کہ ہر کوئی شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, میرا بچہ 2 مرتبہ. اللہ علی القول الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام القلب ینقلبون بار الہ تجب اس محمد و علی محمد کا ہمارے سبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, موجودہ وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما,
زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. درود پر محمد و آل محمد.